रघुनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वीर बेताल की साधना, बेताल की साधना, ये आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा। आज जो साधना मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बेताल वशीकरण की साधना है, मतलब बेताल की शक्ति से आप किसी पे वशीकरण कर सकते हैं। बेताल के बारे में जो हम लोगों को जानकारी है, अभी तक शिव पुराण पढ़े या अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि बेताल दो संज्ञा में जाने जाते हैं। एक संज्ञा वो जो भूतों का राजा होता है उसको बेताल कहते हैं, ठीक है, और दूसरा यम दूतों को भी बेताल माना जाता है कि जो मनुष्य बहुत अच्छा पुण्य करता है उसको नर्क ना भेज करके, जो शिव भक्ति में रहता है उसको नर्क ना भेज करके और ये आत्माओं को लाने और ले जाने का काम सौंप दिया जाता है, उसको भी बेताल माना जाता है। तो जब एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ कि पृथ्वी पर सारे देवताओं को आके रहना होगा, तो भारत के एक भूखंड को घोषित किया गया कि इस जगह ही सारे देवता रहेंगे। तो वहाँ जब सारे देवताओं का वर्णन सुनिएगा तो उसमें बेताल का भी वर्णन आता है और लोग वहाँ पर बेताल की पूजा करते हैं। तो बेताल, जैसा हम विक्रम बेताल सोचते हैं कि पेड़ पे लटका हुआ भूत है, वैसा नहीं होता है। बेताल एक शक्ति है और बहुत उच्च स्तरीय शक्ति तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जैसे अंग्रेज डेमी गॉड बोलते हैं उस तरह से डेमी गॉड है, मतलब देवताओं के नीचे आते हैं, जैसे यक्षिणी, गंधर्व, वैसे ही बेताल, ब्रह्म राक्षस, ये सब एक संज्ञा में आते हैं। इनकी शक्तियाँ हमसे ज़्यादा होती हैं। बेताल से आपको कितना काम लेना चाहिए, कितना काम नहीं लेना चाहिए, तो इसमें मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा कि कोई भी शक्ति जो शरीर हो उससे जितनी दूरी बना के रखें और जितना ज्ञान अर्जन का आप काम कर सके उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। जितना शक्ति से आप काम लेंगे शक्ति उससे ज़्यादा आपका दोहन करती है। तो चलो अब शुरू करते हैं बेताल साधना की कहानी। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ये साधना आप किस पे कर सकते हैं, ये वशीकरण आप उस पे कर सकते हैं जो सही मायने में दुष्ट हो, ठीक है। दुष्ट की परिभाषा क्या होती है, जो आपको टारगेट करके आपकी बुराई कर रहा हो, आपका ध्वंस कर रहा हो, आपका नाश कर रहा हो, आपके राज्य का नाश कर रहा हो, आपके देश का नाश कर रहा हो या आपके धर्म का नाश कर रहा हो, और इसके आपके कंट्रोल में आने से बहुत सारी विपत्तियां कम हो जाएं, ठीक है। इसमें ऐसे लोगों पे आप वशीकरण नहीं कर सकते जिसमें जिसमें आपका प्रेम भाव हो, या किसी को आपको बेवकूफ़ बना के कोई काम करवाना, तो ऐसे भाव लेके बेताल जैसी साधना करने का रिस्क आप में से कोई नहीं लीजिएगा। साधना कहाँ कर सकते हैं, इस साधना को आप घर में नहीं कर सकते हैं, आपको कोई शिवालय में जाके ये साधना करनी होगी, क्योंकि बेताल का वेग शिवालय में ही आप संभाल पाएंगे और कहीं नहीं संभाल पाएंगे। तो किसी शिवालय में चले जाएंगे और वहाँ पर साधना करेंगे। क्या क्या करेंगे इस साधना में हम लोग, सबसे पहले आपको चाहिए होगा तांबा का लोटा, कम से कम 8, ठीक है, 8 तांबा का लोटा लेंगे, और उसके बाद एक तसला या एक प्लेट लेंगे तांबा का, ठीक है। आपका जो पूरा वस्त्र है वो वस्त्र काला होगा और मंगल के दिन इनकी पूजा आप शुरू करेंगे। दीपक रखेंगे घी का, जो नवेद होता है वो नवेद रखेंगे, जो भी आप आपका मन है। 41 दिन तक आपको ये पूजा करनी पड़ेगी। धूप दीप नवेद जो सामग्री पंच पूजा की होती है वो आपको आपको रख लेना है, ठीक है। लाल चावल, मतलब चावल को लाल सिंदूर में भिगो के आपको रखना है, और पूजा जैसे मंगल को शुरू करेंगे तो सोमवार की रात्रि में घर से बाहर निकल के जो मंत्र मैं आगे बताऊंगा उस मंत्र से आप उस चावल को अभिमंत्रित कर लेंगे। अभिमंत्रित कैसे करते हैं, तो दृष्टि से अभिमंत्रित होगा, उसको एक तांबे के प्लेट में रखेंगे उस चावल को, और उसके बाद उसके तरफ देख के जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ उसको 108 बार पढ़ के उस चावल को फूंक देंगे, चावल अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उस चावल को एक काले कपड़े में पोटली के समान बांध के घर के बाहर टांग देंगे, ठीक है। दूसरे दिन, हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ये पूरा क्रिया जब आप करेंगे तो ना साधना करने से पहले ना साधना करने के बाद किसी को पता चले कि आप क्या साधना करो या साधना काल में भी आपको,
41 दिन तक आप किसी को नहीं बताओगे कि आप साधना काल में। दूसरे दिन रात्रि के समय में आप शिवालय जाओगे, ठीक है, 8 लोटों में जो भी आसपास का जलाशय है उससे जल भर लोगे, और जो एक तसला रखा है, जो प्लेट रखा है, उसमें भी थोड़ा जल रख लेंगे हम, ठीक है। जो वस्त्र आपने पहनने के लिए रखा है, काला वस्त्र, अब आप घर से तो पहन के पूरा काला वस्त्र नहीं जाओगे, मतलब लुंगी पहननी होती है, सिला हुआ कपड़ा होता नहीं है साधना में, तो उस वस्त्र से को उस तसले में डाल दोगे जिसमें आपने पानी रखा है, ठीक है। और जहां आपको साधना करना है पहले उससे पोछा करोगे, उस जगह को साफ करोगे, ठीक है, और पोछा करने के बाद उस वस्त्र को फिर धारण कर लोगे, ठीक। फिर 8 तांबा का जो लोटा है सब में जल भरा हुआ है, सब में थोड़ा थोड़ा वो अभिमंत्रित चावल डालेंगे, हाँ, और उसको 8 दिशाओं में रखेंगे अपने चारों तरफ, उससे क्या है कि दिशा बंधन आपका हो जाएगा, ठीक है। दिशा बंधन करने के बाद उस चावल को उस प्लेट में भर देना, मतलब जिसमें पोछा किया था, और उस वहां पर बेताल का आह्वान करना कि हे बेताल देवता, हे वीर बेताल, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, अमुक आदमी को वश में करने के लिए मैं ये साधना 41 दिन तक इसी स्थान पर इसी समय करूँगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो विषय है पूरा बेताल देवता को ऐसे रोज़ आपको बताना है जैसे किसी व्यक्ति से आप बता रहे हो कि आपको क्या कष्ट है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला रहेगी और आपका जो आसन रहेगा वो कम्बल का काला आसन रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद धूप दीप नवेद जो है, जो पंच पूजा है, वो करेंगे बेताल देवता का, और उसके बाद 11 माला, देखो ऐसे तो गिनती 1100 होनी चाहिए, अब माला का जो गिनती है वो 108 मनकों का होता है, अगर 1100 मनकों में आता है करने तो फिर 1100 ही जाप करना, ठीक है। मंत्र सुनो, मंत्र क्या है, मंत्र है ओम वीर वैताल, ओम वीर वैताल, अमुक को, मतलब अमुक में जो भी व्यक्ति जिनका वशीकरण करना है उनका नाम, अमुक को मन फेर, ठीक है, मन फेर, मेरे वश में कर, चरणों में पड़े, कहियो कर, 100 ताला तोड़, हाजर होए, कहूं सो होए, थम थम फट। ओम वीर वैताल, अमुक को मन फेर, मेरे वश में कर, चरणों में पड़े, कहियो करे, 100 ताला तोड़, हाजर होए, कहूं सो होए, थम थम फट। इतना करने के बाद जब 41 दिन हो जाएगा तो 42वें दिन आप आम की लकड़ी लोगे, उसमें थोड़ा पीपल का लकड़ी मिलाओगे, थोड़ा एक डंठल भी रहेगा, थोड़ी बेल की लकड़ी मिलाओगे, इन तीनों को मिला करके फिर हवन करोगे काले तिल से, ठीक है। काले, अच्छा, जैसे आज रात आपने हवन कर लिया, जब आपने साधना कर लिया, जाप कर लिया, तो रात में वहाँ से जितना आपने सिस्टम बैठाया है, मतलब वो जो प्लेट में आपका लाल चावल है जिसमें आपने बेताल को अभिमंत्रित किया है, वो सारे लोटे हैं, सबको आपको साफ करके अपने साथ लेते जाना है और उस जगह पे वापस पोछा लगा देना अपने वस्त्र से, ठीक है। इसमें जो चावल है वो रोज़, जो लोटे में चावल है, जो प्लेट में चावल है, सबको वापस उसी कपड़े में बांध के फिर घर के बाहर लटका देना है 41 दिन तक, ठीक है। जब 41 दिन आप कर लोगे इस साधना को, रोज़ रात में सेम प्रोसीजर को आप पूरा करोगे, 41वें दिन आपको उस चावल को थोड़ा सा काले तिल में मिला करके, जो मैंने संहिता बताया उसके साथ 108 बार हवन कर देना है। अब उस चावल को जो भी व्यक्ति है, वो जिस भी स्थान पर रहता है, अगर उसका घर है तो उसके घर पे चारों कोने में छींट दीजिए, या फिर आप जो है उसका अगर ऑफिस है, केबिन है, तो उसमें चारों तरफ, चारों कोने में इसको छींट दीजिए, वो व्यक्ति आपके वश में रहेगा, आपके बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा अतरंगी है लेकिन प्रयोग कीजिए, शास्त्र अनुसार है तो ज़रूर काम करेगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक विधान सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती विषय है, जैसे आसन, मंत्र बंधन, मंत्र दिशा बंधन, यंत्र निर्माण, ये सब हम सिखाते हैं।
जिनको मेरे द्वारा लिखा गया लेख या मेरे आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए वो www.aghormandrasa.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर उस पर डाउनलोड कीजिए, उस पर रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, माँ भगवती आप सभी की रक्षा करें ऐसी मेरी प्रार्थना है, भोले बाबा से आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।